दोस्तों, ये फिर लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। MTAR टेक्नोलॉजीज बहुत ही सक्सेसफुल IPO था दोस्तों। इसका कुछ महीनों पहले ही आया था, IPO के बाद भी उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। रिजल्ट आने वाले हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है MTAR टेक्नोलॉजीज। चूंकि IPO के बाद पहला रिजल्ट है, तो पहली बार डिविडेंड के बारे में भी हमको पता चलेगा कि MTAR टेक्नोलॉजीज कैसा डिविडेंड देती है। इस वीडियो में बिजनेस के बारे में समझेंगे दोस्तों, और इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जून 2 बुधवार का दिन है जब MTAR टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट आने वाले हैं। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा दोस्तों, तो वहां पर हमको ट्रेंड पता चलेगा कि किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है। अभी देखिए, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप है अभी। आप MTAR को देखें तो एक आप इसको मान सकते हैं कि आज एक ये स्मॉल कैप कंपनी है। कुछ महीनों पहले ही जब IPO आया था, 200 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, मुझे याद है 575 का प्राइस था, और IPO 100% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया हुआ था। अभी आप देखेंगे 980 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रिसिशन इंजीनियरिंग पर बिजनेस है, प्रिसिशन इंजीनियरिंग का बिजनेस को समझेंगे, क्लाइंट्स को समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, MTAR टेक्नोलॉजीज पर अगर आपको बेट लेना है तो इन तीन सेक्टर्स को भी समझना होगा, जैसे न्यूक्लियर पावर है, स्पेस एंड डिफेंस है, और क्लीन एनर्जी। तो यहां के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो रॉकेट इंजीनियरिंग हो या फिर स्क्रू हो, बहुत ही प्रिसिशन वाले, वो कौन काम करता है, कौन बनाता है? MTAR बनाता है दोस्तों। घर के लिए कोई स्क्रू लाना होता है तो ठीक है, कोई कील थोड़ी ऊपर नीचे आ गई तो चलेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई समझ लीजिए, कोई स्क्रू ऐसी जगह में आपको कोई एक बड़े से स्पेसक्राफ्ट में फिट करना है, तो वो स्क्रू अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत ही प्रिसिशन का काम है, और वही काम करती है MTAR टेक्नोलॉजीज दोस्तों। अब आप इसकी ऑर्डर बुक को समझिए दोस्तों। यहां पर लेटेस्ट ऑर्डर बुक है दिसंबर तक की 47.8, मतलब लगभग आधी ऑर्डर बुक जो आ रही है वो स्पेस एंड डिफेंस में से आ रही है दोस्तों। फिर न्यूक्लियर पावर से आ रही है 27.7% की, और अगली जो ऑर्डर बुक है वो है क्लीन एनर्जी से। तो टोटल 336 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अगर ये ऑर्डर बुक सिग्निफिकेंटली बढ़ती है तो MTAR टेक्नोलॉजीज में बड़ा फायदा हो सकता है दोस्तों। देखिए, यहां पर आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो रॉकेट इंजन बनाती है, हॉट बॉक्सेस बनाती है, उसके साथ साथ रोटर मास्ट बियरिंग टाइटेनियम बनाती है, कंट्रोल प्लग बनाती है रिएक्टर के लिए, और ये सब बहुत ही प्रिसिशन वाले चीजें हैं। कोई भी अगर इधर उधर भी अगर हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसका जरूर ध्यान में रखिए, रोलर स्क्रू है या फिर बॉल स्क्रू है, ये सब चीजों का जो जो काम स्पेस टेक्नोलॉजी में या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो ये सब चीजें चाहिए वो सब काम करती है MTAR टेक्नोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर आप बात करें तो 68% जो भी बिजनेस था वो भारत से था, ज्योग्राफिकल जो जो भारत का बिजनेस है, और फिर एक्सपोर्ट्स जो थे वो 18% थे। लेकिन इन 9 महीनों में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, एक्सपोर्ट अब 46% हो रहा है। और अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भारत की खुद का जो है वो 54% है, तो एक्सपोर्ट्स पे अब बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा खासा फोकस है। अब देख सकते हैं ब्लूम एनर्जी, ये भारत में लिस्टेड नहीं है लेकिन दुनिया में बहुत ही जाना माना नाम है ब्लूम एनर्जी। ये इसके उसका कस्टमर है MTAR टेक्नोलॉजीज के, वो कस्टमर है, रफेल उनके कस्टमर है। फिर भारत में जब स्पेस और रिसर्च की जब बात होती है तो इसरो है, DRDO है, ये सब बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है वो एक तरीके से जो भी उनको भी कोई प्रिसिशन वाला काम चाहिए रहता है तो फिर वो भी MTAR टेक्नोलॉजीज का ही मदद लेते हैं दोस्तों। उसके अलावा कुछ भारतीय कंपनी जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हुआ, भेल हुआ, भारत डायनामिक्स हुआ, तो ये सब कंपनी जो है कहीं ना कहीं ये सब क्लाइंट्स है MTAR टेक्नोलॉजीज के। और इसके साथ साथ बहुत ही ओल्ड रिलेशनशिप है न्यूक्लियर पावर के साथ, 16 साल का, इसरो के साथ 30 साल का, DRDO के साथ 40 साल का, और ब्लूम एनर्जी जो कि भारत के बाहर का बहुत बड़ा बिजनेस है, 9 साल का यहाँ पर बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में पावर डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे डिफेंस में FDI आएगा, डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा काम होगा, स्पेस में ज्यादा से ज्यादा काम होगा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर कैपेसिटी अगर ग्रोथ होगी, तो फिर कहीं ना कहीं इतना याद रखिएगा दोस्तों, MTAR टेक्नोलॉजीज को भी उसका फायदा मिलेगा ही। भविष्य के जो बड़े बड़े मिशन है जैसे चंद्रयान है, गगनयान है, तो ये सब जो मिशन है उसके लिए भी जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रिसीजन इंजीनियरिंग की चीजें जो है
वो बना रहा है आज एमटीआर टेक्नोलॉजीज। रेवेन्यू 9 महीने में कम हुए हैं अगर आप 2021 की बात करें, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव इसका रहा है। एबिट्टा की अगर आप बात करें तो एबिट्टा भी 3 साल में 35% बढ़ा है। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, 9 महीने में भी 53 तक एबिट्टा है तो कितना बढ़ता है हमको पता चलेगा। प्रॉफिट कम हुआ था फाइनेंशियल ईयर 20 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिट्टा मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, ये सब भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं जो हमको डेटा से समझ में आ रहा है दोस्तों। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाले हैं एमटीआर टेक्नोलॉजीज के। जो कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में काम कर रही है, क्लीन फ्यूल्स में काम कर रही है और यहाँ तक कि स्पेस में भी काम कर रही है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो जरूर इस पर नजर रखिएगा जून 2 को। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट आपको स्निपेट्स आपको सबसे पहले आ जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।